दोस्तों आज हम बात करेंगे साउथ कोरिया के टॉप 5 सीरियल किलर में से एक की, जिसके केस को यूनिक बनाता है उसका चार्म और गुड लुक्स, जिसके जरिए उसने बहुत सी फीमेल्स को अपना शिकार बनाया। और उसके क्राइम इतने टेरिफाइंग थे कि उसे साउथ कोरिया में टेड बंडी का टाइटल दिया गया, जो कि वर्ल्ड के टॉप 10 सीरियल किलर्स में से एक था। तो आज हम बात करेंगे कांग हो सन की। फर्स्ट मार्च 1970, कांग हो सन का जन्म साउथ कोरिया में सीचो मयोन नाम के एक छोटे से रूरल टाउन में हुआ था। वो अपने 5 भाई बहनों में तीसरे नंबर पर आता था और उसकी अपब्रिंगिंग नॉर्मल बच्चों की ही तरह हुई थी। वो एक रूरल टाउन में था तो उसकी फैमिली ने उसका एडमिशन एक एग्रीकल्चरल कॉलेज में करवाया, इस होप में कि होसन ग्रेजुएट होने के बाद इसी टाउन में रहकर उनके साथ खेती करेगा। लेकिन 1989 में अपनी ग्रेजुएशन से पहले ही होसन ने अपना कॉलेज छोड़ दिया। हालांकि वो एक डिसेंट स्टूडेंट था, पर उसे अपने होमटाउन के कामों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। वो यहां से निकलना चाहता था, इसलिए अपनी पढ़ाई छोड़ने के बाद उसने कोरियन मिलिट्री को ज्वाइन कर लिया एक नॉन कमीशन्ड ऑफिसर के तौर पर। लेकिन 2 साल बाद ही उसे मिलिट्री से निकाल दिया गया क्योंकि वो चोरी करते हुए पकड़ा गया था। जिसके बाद 1991 में उसने काफी सारी जॉब्स की और आखिर में अपना खर्चा चलाने के लिए उसने एज ए ट्रक ड्राइवर काम करना शुरू कर दिया। इसी साल 22 साल की उम्र में वो एक लड़की से मिला जिससे आगे चलकर उसने शादी की और फिर बाद में उन्हें 2 बच्चे भी हुए। लेकिन उनके दूसरे बच्चे के पैदा होने के बाद से ही उनके रिलेशनशिप में काफी सारी प्रॉब्लम्स आने लगी क्योंकि वे दोनों ही बच्चों को रेज करने में काफी एग्जॉस्ट फील करने लगे थे, जिसके चलते वे अब छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से आर्ग्यू करने लगे। और उनकी ये फाइट्स इतनी बढ़ गई थी कि आगे चलकर 1998 में होसन ने अपनी वाइफ से डिवोर्स ले लिया और अपने दोनों बच्चों को लेकर सियोल के बिबोंग मयोन नाम के एक छोटे से टाउन में शिफ्ट हो गया। होसन यहां सब कुछ भुलाकर एक नई लाइफ स्टार्ट करना चाहता था। हालांकि उसे ये टाउन बिल्कुल भी पसंद नहीं था, वो चाहता था कि उसके बच्चों को एक अच्छी सिटी में मॉडर्न अपब्रिंगिंग मिले, लेकिन ऐसा करने के लिए अभी उसके पास उतने पैसे नहीं थे। इस टाउन में कुछ साल रहने के बाद होसन एक लेडी से मिला जिसके साथ वो रिलेशनशिप में आ गया और जल्दी ही उसने उससे शादी भी कर ली। कुछ टाइम बाद उसकी सेकंड वाइफ प्रेग्नेंट हो गई। होसन को जब इस बारे में पता चला तो वो काफी फ्रस्ट्रेट हुआ क्योंकि उसे ये बच्चा नहीं चाहिए था। वो पहले ही फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए काफी सारी जॉब्स और ओवरटाइम वर्क कर रहा था, इसलिए उसने अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को डिवोर्स दे दिया और अपने दोनों बच्चों को लेकर वहां से निकल गया। एक और फेल्ड मैरिज के बाद होसन अब अपने आप को इम्प्रूव करना चाहता था, जिसके लिए पहले उसे एक सस्टेनेबल वर्क की जरूरत थी। इसलिए सियोल के नॉर्थ विलेज में उसने एक लैंड खरीदा जिस पर उसने खेती करना शुरू किया और इसके साथ ही उसने एक पोल्ट्री फार्म भी खोला। वो अब एक प्रॉपर फार्मर बन चुका था और ठीक ठाक इनकम जनरेट कर रहा था। इन सब के साथ यहां होसन को एक आदत हो गई थी कि जब भी वो किसी स्ट्रे डॉग को इधर उधर घूमते हुए देखता तो वो उन्हें अपने साथ घर ले आता था। लेकिन वो ऐसा इसलिए नहीं करता था कि उसे उन डॉग्स की केयर थी, बल्कि वो उन्हें अलग अलग तरीके से मारकर खाने लगा था। और हमने पहले काफी केसेस में देखा है कि ज्यादातर सीरियल किलर्स अपना पहला शिकार जानवरों को ही बनाते हैं, और होसन के केस में भी कुछ ऐसा ही था। 2003, 34-year-old होसन को एक लड़की मिली जो कि उससे 12 साल छोटी थी, जिसके साथ उसने शादी की। लेकिन उनकी ये शादी 2 महीने भी नहीं चल पाई और उनका डिवोर्स हो गया। लेकिन अपने डिवोर्स के कुछ दिन बाद ही उसने हैं जिन नाम की लेडी से शादी कर ली, जिसे वो अपनी तीसरी वाइफ से शादी करने के बाद से ही डेट कर रहा था, और अब हैं जिन उसकी 4th वाइफ थी। होसन यहां काफी एक्स्ट्रोवर्ट था, लोगों से फ्रेंडली होकर उनसे स्मूथली बातें करने में वो काफी अच्छा था और अपने लुक्स को लेकर भी वो काफी कॉन्फिडेंट रहता था। लेकिन इससे अलग वो एक वुमेनाइजर भी था क्योंकि मैरिड होने के बावजूद बाहर उसकी बहुत सी गर्लफ्रेंड्स थी जिन्हें वो डेट कर रहा था, और रात को क्लब्स में जाकर लड़कियों से फ्लर्ट करना, उनसे उनके नंबर्स लेना, उसे इस सब का एक तरह से ऑब्सेशन था जिसको वो अपने दोस्तों के सामने शो ऑफ करता था। इसके साथ में वो एक हेल्थ फ्रीक था जहां वो अपने वेट को मेंटेन रखने के लिए एक स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करता था और डेली एक्सरसाइज करता था। हैं जिन भी यहां एक मैसाज पार्लर बिजनेस ओन करती थी जो काफी अच्छा चलता था। इससे होसन भी उससे इंप्रेस था क्योंकि पहले की तरह अब उसे अकेले फैमिली को सपोर्ट नहीं करना पड़ रहा था। धीरे धीरे यहां होसन भी है जिनके पार्लर में रेगुलर उसकी मदद करने लगा और उसके कामों को सीखने लगा था।
इसके साथ वो अपने पोल्ट्री फार्म को भी संभाल रहा था। उन दोनों में ही काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी और एक दूसरे की मदद करने के साथ साथ वे दोनों ही एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीख रहे थे। मतलब उनकी लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन फिर आता है 30th October 2005। होसन हर रोज की तरह अपने पोल्ट्री फार्म में काम कर रहा था और दूसरी तरफ हैजिन का प्लान आफ्टरनून में अपनी मदर से मिलने का था। लेकिन उसके रास्ते से होसन का फार्म दूर नहीं था तो उसने उसे भी पिक कर लिया, जिसके बाद वे थोड़ी देर एक रेस्टोरेंट में कॉफी पीने के लिए रुके और फिर अपनी मदर के घर पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने अपनी मदर से बातचीत शुरू की, लेकिन तभी घर में एक ब्लास्ट हुआ जिससे घर के एक बहुत बड़े हिस्से में आग फैल गई। इस इंसिडेंट पर है जिन और उसकी मदर टाइम पर घर से बाहर नहीं निकल पाए और अंदर ही फंसकर मारे गए। फायर फाइटर्स के आग बुझाने के बाद उन्हें उन दोनों की ही बॉडीज मिली जो बुरी तरह जल चुकी थी। यहां इस हादसे में सिर्फ होसन ही जिंदा बचा था, जिसे सिर्फ कुछ मामूली चोटें आई थी। बाद में इस इंसिडेंट को लेकर इन्वेस्टिगेशन भी की गई, पर इस ब्लास्ट को एक्सीडेंटल ही बताया गया। लेकिन है जिनके फैमिली वालों का कहना था कि यह ब्लास्ट जानबूझकर किसी ने किया है, जिनकी बात सुनते हुए केस को 6 महीने तक इन्वेस्टिगेट किया गया, लेकिन कोई भी एविडेंस फाउल प्ले ना मिलने पर इस केस को क्लोज कर दिया गया। अपनी वाइफ की डेथ के बाद होसन अब आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, क्योंकि इसके बाद से ही उसने बहुत से जानवरों को मारना शुरू कर दिया, जहां उसने करीब 50 से भी ज्यादा डॉग्स को मारा। लेकिन आगे वो जानवरों से हटकर अब लोगों को मारने वाला था। 7 सितंबर 2006। अपने घर की ओर आते समय होसन ने सड़क पर एक लेडी यून झुंग ह्यून को देखा जो अपने काम पर जा रही थी। मौका देखकर होसन ने उसे लिफ्ट ऑफर की कि वो उसी रास्ते पर जा रहा है, तो यून ने भी उसके ऑफर को एक्सेप्ट किया और कार में बैठ गई। लेकिन कुछ दूर जाने पर जब होसन कार को किसी दूसरे रास्ते पर ले जाने लगा तो यून समझ गई कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में है, और जैसे ही वो अपने फोन से किसी को कॉल करती तभी होसन ने उसका फोन उससे छीन लिया और गाड़ी रोककर यून को बुरी तरह मारने लगा। आगे फिर उसने यून को सेक्सुअली असॉल्ट किया और फिर उसी की स्टॉकिंग से उसका गला घोंटकर उसे मार दिया। यून को मारते टाइम होसन काफी शांत था, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि वो क्या कर रहा है, क्योंकि किसी को मारने की प्लानिंग वो काफी टाइम से कर रहा था। वो यून की बॉडी को एक वुडेड एरिया में ले गया जो उसके घर से कुछ ही दूरी पर मौजूद था। वहां पहुंचने पर उसने यून के फिंगर टिप्स काट दिए ताकि किसी को उसका डीएनए ना मिल जाए, और ऐसा करके उसने यून को वहीं पर दफना दिया। इन सब के बाद होसन वापस अपने घर चला गया और ऐसे प्रिटेंड करने लगा कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो रोज की तरह अपने काम पर लौट गया, जहां पहले उसने अपने फार्म को संभाला और फिर मैसाज पार्लर को जो उसकी वाइफ है जिन पीछे छोड़ गई थी। होसन ने इस मर्डर के बाद कुछ टाइम तक शांत रहने का डिसाइड किया और उसने लोकल न्यूज और पुलिस की एक्टिविटीज पर अच्छे से नजर रखी कि कहीं किसी को उस पर शक तो नहीं हो गया। लेकिन जब कुछ हफ्ते बीत जाने पर भी पुलिस को यून नहीं मिली तो इस बात से वो और इंस्पायर हुआ। उसे ऐसा लगने लगा कि वो कुछ भी कर सकता है और बिना किसी सस्पिशन के किसी को भी मार सकता है। तो 2 महीने बाद 14th दिसंबर 2006 को वो कार लेकर अपने नेक्स्ट विक्टिम की तलाश में निकल गया, जहां वो गुनपो नाम की एक स्मॉल सिटी में पहुंचा जो सियोल के साउथ में मौजूद है। और इस बार वो टारगेट करने वाला था बार्स और कराओके क्लब्स में काम करने वाली वल्नरेबल लेडीज को, जो उसके लिए एक इजी टारगेट थी। कोरिया के इन बार्स में अपने कस्टमर्स को लंबे टाइम तक रोक कर रखने के लिए लड़कियों का उनसे फ्लर्ट करना एक काफी कॉमन बात है। और एक ऐसे ही बार में होसन को 45-year-old बैक यूंग मी मिली, जहां उन्होंने आपस में बातचीत शुरू की और फिर कुछ ड्रिंक्स भी लिए। पर यहां होसन अपनी लिमिट को चेक करके पी रहा था, क्योंकि आगे उसे अपने प्लान को अंजाम देना था। आधी रात होने पर जब वे दोनों बार से निकले तो होसन ने क्यूंग मी को छोड़ने के लिए कहा, जिस पर उसने भी अग्री किया और वो उसकी कार में बैठ गई। लेकिन होसन उसे एक अंधेरे इलाके में ले गया, जहां उसे ओवरपावर कर उसने उसके साथ जबरदस्ती की और फिर अपने फर्स्ट विक्टिम की ही तरह क्यूंग मी का गला घोंट कर उसे मार दिया। इन दो मर्डर्स के बाद होसन और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गया और अब औरतों को मारना एक तरह से उसका पैशन बन गया था। वो ज्यादातर ऐसे ही बार्स और बस स्टॉप पर खड़ी अकेली लड़कियों को अपना विक्टिम बनाता और उन्हें अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए वो अपने डॉग्स या अपने बेटों के साथ ली हुई फोटोज का सहारा लेता और उनके बारे में बात करके उन्हें इम्प्रेस करता। किसी को भी उसकी ट्रू इंटेंशन के बारे में पता ही नहीं चलता था। कुछ ऐसे ही मेथड्स का यूज एक अमेरिकन सीरियल किलर टेड बंडी किया करता था, जो इसी तरह अपने अट्रैक्टिव अपीयरेंस से अपने विक्टिम्स को अप्रोच करता था, जिसके ऊपर 30 से भी ज्यादा मर्डर केसेस थे।
और हर सीरियल किलर की तरह जब तक उन्हें पकड़ा नहीं जाता तब तक वे रुकते नहीं हैं, और होसन के केस में भी कुछ ऐसा ही था। क्युंगमी को मारकर उसकी बॉडी डिस्पोज करने के 10 दिन बाद ही होसन एक बार फिर अपनी कार के साथ सियोल की सड़कों पर निकल पड़ा, जहां इस बार वो सुवान नाम की सिटी में पहुंचा, जहां उसे उसकी नेक्स्ट विक्टिम मिली, जिसका नाम था सुनगाह पार्क, जो एक कैरियो के बार में काम करती थी। सुनगाह भी होसन की पर्सनैलिटी से इम्प्रेस होकर उसकी बातों से मैनिपुलेट हो गई, और फिर बाद में उसके साथ वही हुआ जो पहले दो लड़कियों के साथ हुआ था। अपने तीसरे मर्डर के बाद अब होसन ज्यादा से ज्यादा किलिंग्स करना चाहता था, जिसकी शुरुआत उसने 3 जनवरी 2007 से की, जहां उसने हवासियोंग इलाके में एक 52-year-old झुंगजा पार्क नाम की लेडी का मर्डर किया, और इसके कुछ ही दिन बाद 6 जनवरी को उसने अन्यांग सिटी में एक कैरियो के बार की एम्प्लॉई किम है यंग का मर्डर किया, और 8 जनवरी को उसने स्वोन सिटी में एक 21-year-old यूनिवर्सिटी स्टूडेंट योनमी यंग को भी मार डाला। इस टाइम तक कोरियन पुलिस भी इन मिसिंग लड़कियों को लेकर काफी एक्टिव हो गई थी, जिस वजह से होसन थोड़ा डर गया और मामला ठंडा होने तक उसने किलिंग्स करना बंद कर दिया, जिस दौरान उसने उस लाइफ इंश्योरेंस को क्लेम किया जो उसकी वाइफ और उसकी मदर इन लॉ के नाम पर था। और यहां सबसे अजीब बात यह थी कि उनके मरने से एक हफ्ते पहले ही होसन ने अपनी वाइफ से कहकर इन पॉलिसीज को स्टार्ट करवाया था। इस बात का सस्पिशन पुलिस को उस टाइम भी हुआ था, जिसके लिए उन्होंने होसन को पूछताछ के लिए कई बार पुलिस स्टेशन भी बुलाया, पर उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे उस पर शक किया जाए। और अब इतना टाइम बीत जाने के बाद होसन ने इस पॉलिसी को क्लेम किया, जिसमें उसे करीब 400 मिलियन येन मिले। होसन को 2 साल लग गए थे उस कॉन्फिडेंस को वापस लाने में, जिससे वो अपनी नेक्स्ट किलिंग कर सके, पर वो यहां इस बात को लेकर बिल्कुल श्योर नहीं था कि पुलिस अभी भी उन केसेस को इन्वेस्टिगेट कर रही है या नहीं। वो बस अपने नए विक्टिम को खोजने निकल पड़ा। 9 नवंबर 2008, होसन ने हर बार की तरह अपनी चार्मिंग पर्सनैलिटी के जरिए एक 48-year-old हाउसवाइफ किमसू ही का मर्डर किया। इसके एक महीने बाद 19 दिसंबर को होसन ने एक 19-year-old यूनिवर्सिटी स्टूडेंट अहन यंगोक को लिफ्ट देने के बहाने अपना टारगेट बनाया, जो उसके विक्टिम्स में सबसे कम उम्र की लड़की थी। यहां अहन यंग अपनी पढ़ाई के लिए एक दूसरी सिटी में रेंट पर रह रही थी, तो जब उसकी फैमिली के कई बार कॉन्टैक्ट करने पर भी अहन यंग का कोई रिप्लाई नहीं आया, तो उन्होंने उसकी लोकेशन पर जाकर उसे चेक किया, लेकिन उसकी कोई खबर ना मिलने पर उन्होंने पुलिस में मिसिंग कंप्लेंट फाइल कर दी, और उन्होंने पुलिस को अहन यंग से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी, जहां उसमें यह भी मेंशन किया कि उनकी बेटी कॉलेज जाने के लिए बस से ट्रैवल करती थी। पुलिस जब उस बस स्टॉप पर पहुंची जहां से अहन यंग रेगुलर अपनी बस पकड़ती थी, तो उन्होंने बस स्टॉप के सामने सर्वेलेंस कैमरास को नोटिस किया, जो कि कुछ 2 महीने पहले ही लगाए गए थे। बाद में जब पुलिस ने कैमरास की फुटेज को चेक किया, तो उन्होंने आखिरी बार अहन यंग को एक वैन में जाते हुए देखा। और यहां इस बार होसन ने भी एक गलती कर दी थी कि उसने अहन यंग के बैंक अकाउंट से पैसे निकालने की कोशिश की, जिससे उसका फेस एटीएम में लगे कैमरा ने कैप्चर कर लिया। पुलिस को जब ये फोटो हाथ लगी तो उन्होंने इसे मीडिया में पब्लिश कर दिया, और 27 जनवरी 2009 को पुलिस की एक टीम होसन के फार्म तक पहुंच गई। उन्हें उनका सीरियल किलर मिल चुका था। होसन को अरेस्ट कर लिया गया था, जिसके साथ ही उसका फार्म फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के लिए सीज कर दिया गया। उसकी प्रॉपर्टी के पास में ही काफी सारे एविडेंस मिले, जहां पुलिस को 2 गाड़ियां मिली, जिसमें से एक वही वैन थी जिसको उन्होंने सर्वेलेंस फुटेज में देखा था। उसके अंदर उन्हें अहन यंग के बचे हुए रिमेन्स मिले, जिससे यह प्रूव हो गया कि होसन ने ही अहन यंग को मारा है। लेकिन पुलिस और फोरेंसिक टीम तब शॉक हो गई जब उन्हें यहां और भी मर्डर्स के एविडेंस मिलने लगे, क्योंकि जब उन्होंने फार्म को अंदर से चेक किया तो उन्हें वहां 70 से भी ज्यादा यूज किए हुए फीमेल अंडरगारमेंट्स मिले, जिनमें से कुछ कपड़ों के साथ खून से सने हुए थे। हालांकि यहां पुलिस ने होसन को अहन यंग के सस्पिशन में अरेस्ट किया था, लेकिन जब अंदर मिला ब्लड अहन यंग के डीएनए से मैच नहीं हुआ, तो उन्होंने इसके बारे में होसन से पूछताछ की, जिससे पूछने पर उसने ये एडमिट किया कि उसने 2006 से 8 के बीच और भी फीमेल्स को मारा है। होसन यहां इन सभी मर्डर्स को काफी प्राउडली वे में बता रहा था, ना तो उसके फेस पर कोई इमोशन था और ना ही उसकी टोन में कोई चेंज। यहां तक कि उसने इन्वेस्टिगेटर्स को यह तक कहा कि वो एक साइकोपैथ है। जब इन्वेस्टिगेटर्स ने उससे पूछा कि उसे ऐसा क्यों लगता है, तो उसने कहा कि वो टीवी पर साइकोपैथ से रिलेटेड प्रोग्राम्स देखता है और उसके अंदर वे सारे ट्रेट्स हैं। बाद में उसने पुलिस को वे सारी जगह बताई जहां उसने इन बॉडीज को दफनाया था, जिसके चलते उसे इन सभी लोकेशंस पर ले जाया गया, जहां उसने क्राइम सीन को रीएनैक्ट करके
पुलिस को सारी डिटेल्स दी और ऐसा करते हुए उसे बहुत से लोग देख रहे थे जो उसके चारों तरफ खड़े थे। इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान सभी ने उसके ऑड बिहेवियर्स को नोटिस किया, जहां जब लंच के समय नूडल्स ऑर्डर किए गए तो इसके लिए होसन से भी पूछा गया, तो इस पर उसने कहा कि नूडल्स हमारी बॉडी के लिए खराब होते हैं, प्लीज उसके लिए फ्राइड राइस ऑर्डर करो। मतलब ऐसे टाइम पर भी होसन अपनी डाइट और लुक्स को लेकर काफी सीरियस था। जब कोरिया के एक फेमस क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट ने होसन का इंटरव्यू लिया तो उन्होंने बताया कि होसन लोगों को मैनिपुलेट करने में और किसी भी कॉन्वर्सेशन को कंट्रोल करने में काफी अच्छा है। इसमें उन्होंने ये भी मेंशन किया कि होसन का नजरिया फीमेल्स को लेकर काफी खराब है, वो उन्हें एक टूल की तरह देखता है जिनसे पैसे कमाए जा सके या फिर अपनी ईगो और प्लेजर को सेटिस्फाई किया जा सके। इन सब के बाद अब इन्वेस्टिगेटर्स को होसन पर उसकी फोर्थ वाइफ हैजिन और उसकी मदर इन लॉ की डेथ को लेकर भी शक हो रहा था, और जब इसको लेकर इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि उस ब्लास्ट के पीछे भी होसन का ही हाथ था। हालांकि होसन ने इस बात से कभी एडमिट नहीं किया। होसन का यह केस नेशनल मीडिया में एक्सट्रीमली पॉपुलर हो गया था, जिसके चलते कुछ ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट ने होसन के फेस को लेकर एक बड़ी कंट्रोवर्सी कर दी, जिनका कहना था कि कोर्ट का रिजल्ट आने तक होसन का फेस पब्लिक में रिवील नहीं करना चाहिए। यह आर्ग्यूमेंट इतना प्रोमिनेंट था कि इस केस के बाद साउथ कोरिया में एक नया लॉ बनाया गया, जिसमें क्रिमिनल्स की फैमिलीज को प्रोटेक्ट करने के लिए उनकी आइडेंटिटीज को मीडिया में रिवील नहीं किया जाता। कोर्ट के ट्रायल में होसन को 10 लोगों के मर्डर के लिए गिल्टी माना गया और उसे 22 अप्रैल 2009 को डेथ सेंटेंस दिया गया। बट अगेन, कोरिया में एग्जीक्यूशन अलाउड नहीं है, तो होसन आज भी जेल में अपनी सजा काट रहा है। कांग होसन का यह केस इस बात का प्रूफ है कि हमें किसी पर भी जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए, खासकर ऐसे लोगों पर जिनके बारे में हम कुछ जानते ही नहीं है, फिर चाहे सामने वाला कितना भी अट्रैक्टिव, फ्रेंडली या फिर चार्मिंग ही क्यों ना हो। क्योंकि यहां होसन की पर्सनैलिटी भी एक सीरियल किलर से बिल्कुल ही ऑपोजिट थी। उससे बात करते वक्त लोगों के उसके ट्रू इंटेंशंस के बारे में पता ही नहीं चलता था, जिसके चलते ही उसने बहुत सी औरतों का ट्रस्ट जीता और फिर उनकी लाइफ खत्म कर दी। सो थैंक यू हमारा वीडियो देखने के लिए, और इस केस से रिलेटेड अगर आपके कोई ओपिनियंस है तो आप अपने थॉट्स कमेंट में शेयर कर सकते हैं। और अगर आप ऐसे ही ट्रू क्राइम स्टोरीज और शॉर्ट डॉक्यूमेंट्रीज देखने में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा काम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो तब तक के लिए मैं आपको मिलूंगा किसी और केस के साथ।